नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से। मैंने जो बाई सेल स्क्रीनर लोड कर रहा हूँ, मेरा वेब पेज में डिस्प्ले किया हूँ, तो उसमें ये फ्री ट्रायल मैंने दिया था 9 जुलाई 2018 से। अभी ये इस वीक में ये ख़त्म हो गया, तो आप जो लेना चाहता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है वेबसाइट के थ्रू में। तो इसमें मैंने दिखाता हूँ आपको, मैंने पहले दिखाया था तब भी फिर एक बार दिखाता हूँ इसमें क्या क्या एलिमेंट है और कैसे इसको यूज़ करना है। इसको आप थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो भी देखिए कैसे स्क्रीन करना है, वो पार्ट 3 पार्ट 4 तक है। तो इसमें फर्स्ट में आपको इक्विटी सेगमेंट है, इक्विटी सेगमेंट का मिलेगा, कमोडिटी का इक्विटी सेगमेंट का बाई सेल लेवल इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिलेगा, इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पोजिशनल लॉन्ग टर्म आपको मिल जाएगा। कमोडिटी मिलेगा, कमोडिटी एक ही चीज़ मिलेगा इक्विटी में, जो मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में वो आपको एक ही चीज़ मिलेगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स का लेवल्स आपको फिबोनाची और कन्वेंशनल पिवट पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने इक्विटी के एग्जांपल के लेके आपको दिखाता हूँ, देखा दे रहा हूँ, सभी सेगमेंट में एक ही चीज़ है। फर्स्ट खुलते ही आपको फर्स्ट बाई सेल लेवल्स इंटरडे का आएगा, उसके बाद लास्ट प्राइस आएगा, प्रोबेबिलिटी जो अप और डाउन ट्रेंड में जाने का प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑलमोस्ट 100% काम करता है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए वन टू डे आप होल्ड करके देख सकते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा और इसका एलटीपी पोजीशन मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस का हिसाब से बाई सेल लेवल कंपेयर कैसे कहाँ पर है वो आपको दिख जाएगा। ये पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस बाई सेल लेवल वन, आप R1 को बाई सेल लेवल वन पकड़ सकते हैं, तो ये R1 और 2 और 3 और 4 के बीच हिसाब से लास्ट डेट प्राइस कहाँ पर है ये आपको दिख जाएगा, इंटरडे का टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। फिर आपको बाई सेल लेवल स्विंग ट्रेडिंग का आएगा, उसका एलटीपी पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहाँ पर है एलटीपी पोजीशन वो आपको दिख जाएगा। बाई सेल लेवल फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग मोड ऑफ 15 डेज का, इसको आपका बाई सेल लेवल मिलेगा और उसका एलटीपी पोजीशन लास्ट ट्रेड प्राइस का बेसिस हिसाब से उसका लेवल कहाँ पर एलटीपी का पोजीशन कहाँ पर है वो आपको दिखा देगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपका बाई सेल सिग्नल मिलेगा मतलब 1 मंथ का हिसाब से, और उसका हिसाब से एलटीपी का पोजीशन कहाँ पर है वो आपको दिखा जाएगा। बाई सेल लेवल फॉर लॉन्ग टर्म वो आपको मिल जाएगा और उसका हिसाब से उसका एलटीपी का पोजीशन कहाँ पर है वो मिल जाएगा। इधर आपको प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट दिखाएगा, मैंने एंड ऑफ द डे बनाता हूँ और लाइव मार्केट में भी अपडेट करता हूँ, जो मतलब मेरा पेड सर्विस लेना चाहेगा वो अभी से उन्हीं के ही मिलेगा, क्योंकि मैंने फ्री ट्रायल रन दे चुका हूँ 1 वीक के लिए। ये लास्ट एंड ऑफ द डे बना जाता है। ये जो हाई ब्रेक जो फॉल्स दिखाएगा वो ब्रेक नहीं हुआ, जो जीरो दिखाएगा वो ब्रेक होगा, और इधर जो डाउन साइड में वो जीरो दिखाएगा वो ब्रेक हुआ, और नियर हाई लोस मतलब नियर 1 वीक हाई 1 वीक लो, 2 वीक हाई 2 वीक लो, 30 डेज हाई 30 डेज लो, 52 हाई 52 लो, नियर हाई लो सब दिख जाएगा। जो जिसका वैल्यू 1 से कम हो वो आपको वो उसका नियर है, 1 वीक का नियर है हाई का, 1 वीक हाई का नियर है, तो ये जो 1 के नीचे है वो आपको दिख जाएगा और 1 का लो का जो है दिख जाएगा। ऐसे ही 2 वीक 30 डेज और 52 वीक आपको दिख जाएगा, और जो न्यू हाई लो बनेगा तो वो आपको 0 1 वीक का जो न्यू हाई है वो आपको 0 में दिखाएगा, 1 वीक का जो न्यू लो है वो दिखाएगा 0 में, 2 वीक का हाई 0 दिखाएगा, 30 डेज का हाई लो, ऐसे ही जो 0 वैल्यूज है वो न्यू हाई लो होगा। ये मूविंग एवरेज एंड पिवट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंटरडे का मूविंग एवरेज है, जब